Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे तो भी सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा की, उस सज्जन सिंह वर्मा की जिन्होंने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया के बायो से कांग्रेस का नामो निशान तक मिटा डाला था। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि ऐसे लोग बीजेपी के लायक नहीं हैं और इनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। वैसे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी गंगा की सफाई करने निकले थे, कांग्रेस की सफाई अभियान में जुट गए। अब देखिए ऐसा है कि सफाई किसकी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। जिन नेता का नाम लिया वो खुद भी आ रहे थे, जय श्री राम बोलने लगे तो भी सोच रहे थे कि मैं इधर आ जाऊं और चुनाव लड़ लूं। तो हमने ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लायक नहीं हैं उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले। छिंदवाड़ा के अमरपाड़ा पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके, उन्होंने कमलनाथ और नकुलनाथ पर भी इशारों में हमला बोल दिया। कैलाश विजयवर्गीय की माने तो बीजेपी में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज वाले बहुत आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वाले लोग बहुत आ रहे थे, पर हमने उनके लिए दरवाजे बंद रखे। और आज आपने देखा गरीब आदिवासी हमारा पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की गरीबी दूर करने की योजनाएं चलाकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है, और आने वाले 5 वर्ष में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि गरीब शब्द भारत की डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा के अमरपाड़ा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मौजूदगी में कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।